तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, हो जाइए सावधान, क्योंकि तुला राशि वालों आपके दुश्मनों की हालत कुत्ते से भी बदतर होने वाली है। जी हां, तुला राशि वालों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर उन्हें उनके किए की सजा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई जानकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सबके सामने दुश्मनों की नाक कटने वाली है और पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा होने वाला है। जी हाँ तुला राशि वालों, आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जिस समय का इंतजार था वो समय अब आपका आ चुका है। दोस्तों घड़ा चाहे पुण्य का हो या पाप का, एक ना एक दिन जरूर भरता है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों के पापों की घड़ा अब फूटने वाली है और सच्चाई सबके सामने आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में कई ऐसे खास जानकारी, कई ऐसे गहरे राज आपको पता लगने वाली है, जिनसे आप अभी तक अनजान हैं, ना समझ हैं। सितारों की चाल पर आज की यह वीडियो का निर्माण हुआ है। आने वाले अगले 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले इन 3 दिनों में आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो वहीं आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। आने वाले अगले 3 दिन विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, प्रेमी जोड़ों के लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए व खासकर बेरोजगार लोगों के लिए कौन कौन से शुभ परिणाम लेकर आने वाले हैं और कौन कौन से अशुभ परिणाम लेकर आने वाले हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी केवल आज के इसी वीडियो में। शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। उससे पहले अगर आप भी बाबा महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और बाबा महादेव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगाएं। आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों सितारे कहते हैं आने वाले अगले 3 दिनों में एक बहुत बड़ा भेद खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मन में कोई बात, कोई राज छुपा कर रखे हैं, किसी को बताना नहीं चाहती हैं, सीक्रेट रखना चाहती हैं, और आप 4 जनों के बीच आना जाना करती हैं, उठना बैठना करती हैं, तो आप बोलने में थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि आपके मुख से वो सीक्रेट बात निकल सकती है। जी हाँ, और लोग इसका फायदा उठा सकती हैं। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि भावुकता और जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला नहीं लेना है। पहले अच्छे से सोच विचार जरूर कर ले, वरना कोई लोग इसका गलत फायदा उठा सकता है, क्योंकि आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप ज्यादा सोच विचार नहीं करती हैं, जो भी करती हैं तुरंत कर डालती हैं। आपकी यही गलती आगे चलकर आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कोई भी फैसला दूसरों के सलाह के बजाय खुद के विवेक से करें। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके काम जरूर पूर्ण होंगे। आप अपने व्यवसायिक स्थल के पास जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार करें, ये आपके लिए फलदायी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना होगा। इस समय अपने काम पर बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। ऑफिस का माहौल अभी तनावपूर्ण रहेगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, इस समय ग्रह स्थिति आपको कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रही है। अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही अपनी महत्वपूर्ण काम संबंधित योजना बना लें। संतान संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ज्यादा आत्म केंद्रित हो जाना, स्वार्थपन की भावना आने से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकती हैं। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं,
घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल करना भी आपका दायित्व है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने परिवार के परेशानियों के कारण थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे, लेकिन दोस्तों परेशानी इनका हल नहीं है, इनका समाधान नहीं है, आपको उनका समाधान ढूंढना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत व्यवसाय की दृष्टि से समय ज्यादा अनुकूल नहीं है, बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आएंगी, इसलिए संयम बनाकर रखना ही आपके लिए उचित रहेगा। जी हाँ, भावनाओं में नहीं भटकना है, अपने विवेक से काम लेना है, सभी समस्याओं का समाधान मिलता जाएगा। व्यवसाय में कर्मचारियों तथा माल की क्वालिटी पर पूरी नजर रखें, जरा सी लापरवाही भी नुकसानदायक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। भाइयों के साथ संबंध में मधुरता आएगी तथा बीती हुई कुछ नकारात्मक गलतफहमियां दूर होंगी और आप काफी हद तक सुकून और शांति महसूस करेंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय भावुकता और जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। यह समय प्रॉपर्टी या कमीशन संबंधित बिजनेस में बेहतरीन डील होने की संभावना है, लेकिन बिजनेस में बाहरी गतिविधियों और संपर्क सूत्रों से किसी भी तरह का बिजनेस एग्रीमेंट ना करें, धोखाधड़ी होने की आशंका बन रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही एक दूसरे के साथ कोई भी सौदा करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। यह समय पति पत्नी में बच्चों की वजह से कुछ नोक झोंक रह सकती है। जी हाँ, अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय परिवार के लिए भी निकालना अति आवश्यक है। मौसम में अचानक बदलाव की वजह से जो है नजला खुजला जैसी परेशानी रहेगी, अपना उचित इलाज अवश्य लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय निकट संबंधियों के बीच आंतरिक पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है। किसी भी प्रकार के नए निवेश को फिलहाल टाल दें, क्योंकि धन संबंधित कुछ नुकसान की स्थितियां प्रतीत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, निवेश करने की अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा समय रुक जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियों में असामंजस्य होने पर पारिवारिक लोगों से भी सलाह मशवरा करें, इससे आपको उचित समाधान मिलेगा। काम में बढ़ोतरी होगी, लेन देन संबंधित कार्यों में अचानक से कोई फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य अभी आपका ठीक ही रहेगा, परंतु मौसम के विपरीत खान पान की वजह से पेट में किसी तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ, कोई बड़ी बीमारी की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आपको जो है खुद पर ध्यान देना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे।